नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन, जो कि हमारा क्लास का यानी कि वीडियो का पार्ट कौन सा है, ये फोर्थ पार्ट है। ओके फोर्थ, इससे पहले हमने तीन पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अब तीन पार्ट देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको ये जो वर्ड्स है ना, जो आप इनको बहुत ही हवा समझते हैं याद करने की, ये वर्ड्स नहीं याद होते, तो मैंने इतना बेहतरीन आपके लिए मेथड बताया है कि दोस्तों आप मेथड से एक बार जान जाएंगे समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं सकते और ना ही कन्फ्यूज रह सकते हैं। तो ये देखिएगा पार्ट वन में है जो कि वर्ष बताया आपको याद करने का तरीका। तो इसमें हमने 10 शामिल किए हैं, जैसे हमने डेली पार्ट में अपना 10 शामिल करते हैं दोस्तों, तो ये 40 हमने शामिल कर लिया जो कि 31 से 40 तक है। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे क्या क्या अधिवेशन और स्थान भी और अध्यक्ष कौन कौन थे, ये हम याद करेंगे ट्रिक से भली भांति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक पर है या फिर 31वां अधिवेशन, ये मुंबई में होता है, ठीक है मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। देखिए इसको याद रखें कैसे, 31वां यानी कि एक या फिर तीन, ऐसे याद करिए एक या तीन, एक में तीन, तो बम बम्बई बम कहीं फूट गया ना, पड़ गया, डाल दिया कोई, तो सब लोग क्या प्रसन्न होंगे कि दुखी, तो जाहिर है दुख होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट आप अपोजिट याद करिए, यानी कि प्रसन्न नहीं होंगे, कहीं भी बम गिरेगा, जैसे बम्बई है बम गिरेगा, बम से बम्बई याद रहेगा, और गिरेगा तो क्या होगा, सब लोग दुखी हो जाएंगे, प्रसन्न कोई नहीं रहेगा, एक बम गिरा। तो दोस्तों आप सिंपल से यहाँ इसको समझ सकते हैं, वैसे डिफिकल्ट होते हैं ये बनाना, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला है 32वां जो कि लखनऊ में होता है 1916 में, ये कौन किया इसकी अध्यक्षता, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखें कैसे, देखिए सिंपल है आपको याद रहेगा ये वाला 32वां जो कि 32 से आप याद रखिए, जो हमारे मुंह में कितने दांत है 32 है, तो अब 32 जैसे शब्द आएगा, हाँ 32 से दांत में तो तुरंत आ जाएगा, जो कि हमारे दांत है ना वो बहुत ही मजूमदार, बहुत ही मजबूत है भाई साहब, मजबूत बहुत ही, क्या है दांत, अगर शरीर में बॉडी में कुछ भी मजबूत है सबसे ज्यादा तो क्या है दांत है, तो आप याद रहेगा तो कि मजबूत बहुत ही मजूमदार बहुत ही मजबूत है, और दोस्तों लखों में एक हैं, लखों में एक है क्या हमारे दांत, अगर दांत ना होते तो पत्नी क्या ना होता, हम खा ना पीते कुछ ऐसे, दोस्तों बस सिंपल याद रहेगा कि 32 शब्द आता है हमारे 32 ही बहुत ही मजबूत है और लखों में एक है, नहीं लखनऊ हुआ, सिंपल याद रहेगा आप कभी भूल ही नहीं सकते। अगला है 33 जो कि 1917 में होता कलकत्ता में, और श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है, और ये प्रथम महिला है जो कि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है याद रखें कैसे, देखिए 33। अच्छा गांव देहात में आपसे होंगे तो वहां पर बहुत लोग बोलते हैं तुम या आपको तय बोलते हैं, तय तय ठीक है ऐसे बोलते हैं दोस्त देहातों में गांव में बहुत ही ज्यादा, तो तय बोलते हैं, तो तय देखिए इसको 33 तय तय शब्द आता है, 33 तय बहुत बोलते हैं, और दोस्तों यहाँ देखिए बेसेंट यानी डिसेंट, बेसेंट को आप डिसेंट यार एनी पर्सन यानी एनी पर्सन गाँव में तुमको तय बोलते हैं अधिकतर, ऐसे याद रखे एनी पर्सन एनी मैन 33 तय तय बोलते हैं तय, और दोस्तों तय बोलते हैं तो यानी कि दोस्तों वहाँ वेसेंट डिसेंट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो तय बोलेगा क्या वो डिसेंट होगा, नहीं होगा, डिसेंट मीन्स होता क्या सब सिविलाइजेशन या सिविल, तो ऐसे याद रहेगा दोस्तों जो तय बोलेंगे 33 तय बोलेंगे वो डिसेंट नहीं होते, सभ्य नहीं होते, ठीक है जी याद रहेगा ऐसे आपको, और एनी पर्सन गांव में क्या तय बोलते रहते हैं ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों कलकत्तों की याद कैसे करेंगे, यानी कि कलकत्ता तो बोलते हैं तय तय महिका ऐसे बोलते देहात, तय महिका कल मिलिस ऐसे देहात हम बोल देते हैं, तय महिका कल मिलिस तो ऐसे लोग बोल देते, तय से 33 कल से कलकत्ता बोलते हैं ना, आज नहीं है टाइम तो कल मिलना भाई साहब कल, तो कल मिलना ऐसे लोग बोलते हैं, एनी पर्सन ऐसे बोल देते, सिंपल आपको ये याद रहेगा जो कि आप कभी भूल नहीं सकते इसको। अगला 34वां जो कि 34वां अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखें कैसे, देखिए 34 यानी 34 को इसको क्या याद कर सकते हैं, चौतीस शब्द आता है ना, चौंतीस चौतिया ठीक है दोस्तों, क्यों इलेक्ट्रिक है, चौंतीस चौतिया चौंतीस चौतिया चौतिया चुतिया सब थोड़ा सा
आ रहा है लिंक करने में, बोलने में। तो दोस्तों अगर आप किसी को चूतिया बनाते हैं ना, बेवकूफ या चूतिया, तो यार वो उसको दिल में क्या हर्ट होगा, बहुत ज्यादा दिल्ली दिल में बहुत ज्यादा यार उसके हर्ट होगा, यानी हर्ट में बहुत फील होगा अगर आप किसी को चौतिया बेवकूफ बनाते हैं, उसको विश्वासघात करते हैं। सिंपल है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों देखिए, अगर कहा मालवी, तो फिर अगर आप किसी को क्या चौथी चौथिया बनाते हैं, तो उसके दिल में फील होगा और आपको माल वाल सप्लाई कुछ नहीं करेगा, ना बोलेगा ना आपको माल नहीं है, और ना ही आपकी कोई मदद करेगा दोस्तों। सिंपल है, ऐसे आपको मालवी ना ही आपको माल देगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, मोहन आ रहा है, यानी कि आपसे वो मोह नहीं करेगा, मोह सब तोड़ देगा। अगर आप किसी को 34 चूतिया बनाते हैं, तो दिल में उसके फील होते हैं और मोह माया आपसे सब तोड़ देता है। रियल है भाई साहब, रियल है, सही है बिल्कुल। यानी कि आप किसी को चोतिया बनाते हैं, विश्वासघात करते हैं, दिल में उसके हर्ट होगा भाई साहब, हर्ट दिल तोड़ते हैं उसका, तो आपसे मोह माया छोड़ देते हैं, यानी मोहन मालवी। यहां से आपको ये बहुत ही आसान तरीके से याद रहेगा। और अगला है दोस्तों क्या है, 35वां, जो कि अमृतसर में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। याद कैसे करेंगे, देखिए यहां शब्द आता है पैंटी पैंट, ठीक है, पैंट, 35वां, 35वां, पैंती पैंटी या फिर पैंट, ऐसे दोस्तों अब सिंपल है, यार पैंट शब्द आता है ना, तो दोस्तों पैंट में क्या कर देते, मोती, जो छोटे बच्चे होते हैं, हमने कभी भी बोलते हैं ना देहातों में टॉयलेट या फिर बाथरूम में बोलते हैं मूत दिया, क्या मूत दिया, मोती मोत देते थे बचपन में, ठीक है जी, याद रहेगा, बचपन में छोटे बच्चे होते तो मोत देते, कहाँ पैंटी में, यानी 35 पैंट में मोत देते हैं, और तो अधिकतर वो क्या बोलते, अमृत, तो ऐसे अमृत बोल सकते हैं क्योंकि पानी है, तो कुछ भी है बोल सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, यहां से आप इसको याद रहेगा कि मौत देते हैं कौन, बच्चे छोटे छोटे, 35 पैंट में, पैंटी में, पैंट में मूत देते, मोतीलाल मूत देते हैं, और दोस्तों ये अमृत आप कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी है अमृत के समान है, बस केवल उसका क्या रूप थोड़ा सा बदल गया है, वो यहाँ से निकल कर निकल गया तो वो दूसरा उसका चेंज हो गया है, लेकिन है तो जल तो है, तो वो अमृत के समान है। तो ऐसे दोस्तों आप समझ सकते हैं स्टोरी है, केवल आप, यानी 35वें पैंट में मोती मोत देते थे बच्चे, और वो क्या अमृत के समान एक तरीके का है, तो ठीक है, तो बस सिंपल है, आप को याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, 36वां, जो कि 1920 में होता, कहाँ पर, नागपुर में, और किसकी अध्यक्षता में, सीवी सीवी राधावाचार्यर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ शब्द आता है 36, क्षति यानी नुकसान, ठीक है, क्या हार, यानी कि क्षति, 36 क्षति, क्षति आता नहीं, क्षति नुकसान, अगर आप किसी का क्षति करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो क्या होता है, तो आप वाचारियर, आप बचेंगे नहीं, ठीक है जी, आपका भी क्षति होगा, अगर आप जानबूझकर किसी का क्षति करते हैं, नुकसान करते हैं, तो आपका क्षति होना तय है, ठीक है जी, याद रहेगा, नहीं आप बचेंगे नहीं, राध वाचारी, राधव वाचारियर, यानी वाचार्य आप बचेंगे नहीं, वाचारियर बचेंगे नहीं, वचा आप भी नहीं, वचा बचे बचेंगे नहीं। जैसे दोस्तों अगर आप किसी को क्षति पहुंचाते, जैसे नाग नागी नहीं, नाग को भी आप उसको कुछ छेड़ते हैं तो आपको क्षति पहुंचाएगा, इसी तरह आप बचेंगे नहीं, नाग जैसे नाग नागिन होते हैं, आप उनको क्षति पहुंचाएंगे, क्षति क्षति पहुंचाएंगे किसको, नाग नागिन को, तो आपके दोस्तों देखिए इनमें कोई जीव का नाम नहीं आता, लेकिन इसमें आता है, अगर आप किसी जीव को क्षति पहुंचाते हैं, ऐसे याद रखिए, यदि आप किसी जीव को, जीव इनमें से केवल नागपुर है जो कि आपको याद रहेगा, तो आप किसी जीव को क्षति पहुंचा दे तो आप बच नहीं सकते, वचा बच नहीं सकते, ठीक है जी, सिंपल आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर कोई नाग है जैसे उसको आप टच करते हैं, छेड़ते हैं, तो आप बचेंगे नहीं, ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों 36 यानी क्षति पहुंचाएंगे, जैसे कि नाग को क्षति पहुंचाते हैं, तो आप बचेंगे नहीं, वचारियर बचेंगे नहीं, ठीक है जी, याद रहेगा। अगला है 37वां, जो कि अहमदाबाद में होता है, और हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में, याद रखिए कैसे, देखिए 37वां, यानी कि दोस्तों यहाँ शब्द आता है सती, 37 सती, सती के शब्द दे रहा सती, 37वां सती, अगर लोग पहले सती हुआ करते थे, सती, ठीक है, अगर किसी का शौहर हो जाता था डेड, तो वो भी सती हो जाती थी,
तो सतीक मतलब कोई उनके पास अहम नहीं रहता कि मैं नहीं होंगी, खुशी खुशी लोग गले लगा लेते थे मृत को अपने, यानी अहम नहीं था अहमदाबाद, अहम नहीं था। और दोस्तों तो इसको कैसे याद करेंगे, हकीम अजमल खान। तो देखिए अजमल यानी कि दोस्तों वो अमल कर लेते थे खुशी खुशी, इसे दोस्तों एक बार समझिए, यानी सती सैंती सती हुआ करते थे, कोई पहले हुआ करती थी महिला सती, तो अहम उनके पास कोई अहम नहीं था, खुशी खुशी अमल कर लेती थी, अहमल यानी अजमल अमल कर लेती थी दोस्तों, आप सिंपल है याद रहेगा, अमल कर लेती थी अपनी मृत्यु को, कोई अहम नहीं था और सती हुआ करती थी तब, ठीक है जी, सती हुआ करती थी तो कोई अहम नहीं था और अमल कर देती, यानी अजमल अमल कर लेती थी खुशी खुशी से, ठीक है जी। और अगला है दोस्तों 38वां, 1922 में होता है गया में, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास, याद रखें कैसे, देखिए तो थोड़ा सा इसको मैं स्टोरी क्रिएट कैसे करेंगे, 38वां यानी बोलते हैं ना गांव में कोई चीज को गिराने को बोलते हैं अड़ा दिया, होंगे तो आप जानते हैं, यानी कि दोस्तों कोई चीज गिरा देते हैं ना तो उसको बोलते अड़ा गया डिकर गया अड़ा गया, ऐसे बोलते अड़ा गया, अगर कोई चीज अड़ा गया ना तो बोलते हैं ना फिर गया कर दिया, ऐसे बोलते जैसे दूध गिर गया, कोई दाल सब्जी गिर गई तो उसको बोलते अड़ा दिया, कर दिया गया, हो गया काम, गया कर दिया, ऐसे बोलते हैं, गया कर दिया कराया गया, सब समाप्त कर दिया गया बोलते हैं, गया कर दिया। तो कितने तरीके से आपको ये याद रहेगा दोस्तों, और हमेशा कौन बोलते हैं, दूसरा तो बोलेगा नहीं भाई साहब कि दूसरा घर के आ जाए या फिर कोई रिलेशन का आ जाए, बोलते हमेशा अपने भाई बंधु बोलते हैं, देश बंधु भाई बंधु बोलते रहते हैं, नहीं देश बंधु दोस्तों याद रहेगा, देश बंधु कौन, तो चित्तरंजन या फिर धचरंजन दास, इसको याद कर लीजिए ये भी सही रहेगा, अपने हमेशा भाई बंधु बोलते हैं, अड़ा दिया कर दिया गया, अड़ा दिया कर दिया गया, ठीक है जी, याद दिया 38वां। और अगला दोस्तों क्या है 39वां, जो कि काकीनाडा में होता है, देखिए मौलाना मोहम्मद अली के अध्यक्षता में, याद रखें कैसे, देखिए 39 यानी ताला शब्द आता है 39वां ताला, और ये दोस्तों यहाँ भी आ रहा है नाला नाड़ा ताला और नाड़ा, तो इनका काम क्या है, नाड़ा काम है कि उसको अपने हमारा जो पैंट या कुछ है उसको लॉक करना, और ताले काम का है उसको भी लॉक करना, तो लॉक वो भी दोस्तों सिंपल है, और आल यानी कि आल काम करता है क्या, या नाड़ा हो या फिर ताला हो हमेशा लॉक करने के काम आते हैं ऑल, ठीक है अली ऑल 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 जो कि है, तो सब कुछ वो लॉक करने के काम आता है, जो कि दोनों आल या कोई भी समझिए, जो नाड़ा है वो लॉक करने के आता है, ताला वगैरह वो भी, यानी कि जितने ऑल हैं सभी हैं ये लॉक करने वाले, सभी सुरक्षित सुरक्षा करने वाले होते हैं। बस दोस्तों आपको यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जितने भी आल ये सब है, तो नाड़ा हो या फिर ताली 39 40 ताला सब कुछ लॉक करने के आते हैं, काकी नाड़ा, कितना सिंपल तरीके से याद रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगला है 40वां, जो कि लास्ट है 1924 में होता, सबसे महत्वपूर्ण है बेलगांव में, और दोस्तों महात्मा गांधी जी अध्यक्षता, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया है और कौन सा नंबर का, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन आपको इसको कंफ्यूज रहे होंगे तो, लेकिन अब नहीं रहेंगे। देखिए 40वां, यहाँ शब्द आता 40, तो 40 जैसे शब्द आता तो आपके माइंड में आता होगी कि अली बाबा 40 चोर, देखिए दोस्तों आपको यहाँ से अली बाबा दोनों के लिंक कर सकते हैं, अली बाबा 40 चोर, अली पहले आया और 40 चोर बाद में, यानी अली बाबा 40 चोर आपने किस्सा सुना होगा या फिर देखा होगा सीरियल, तो 40 चोर यानी कि दोस्तों, और जो आजकल के चोर है ना वैसे चोरी होती नहीं, अगर फिर भी अगर चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया ना उसकी बेल गांव कभी बेल जमानत नहीं होती, क्या होती है, नहीं होती भाई साहब, अगर तगड़ी चोरी की है कोई गवर्नमेंट की तो दोस्तों देखिए उसकी बेल नहीं होगी, यानी अली बाबा 40 चोर, 40 चोर होते हैं ना, अगर 40 चोर ने चोरी किया तो उसकी बेल नहीं होगी, यानी बेलगाम, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रहेगा, और 1924 में आप डेट याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, महात्मा गांधी जी हैं ये तो आप जानते हैं, ओके, जो कि 1924 में अध्यक्षता करते हैं और बेलगांव की और 40वां अधिवेशन होता है, ठीक है जी, महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों
यहाँ भी आप ही 40 चोर, यानी कि इसका आप उल्टा समझिए, यानी कि महात्मा गांधी की महान आत्मा वाले कभी चोर हो ही नहीं सकते, ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा, आज ये हमारा पार्ट 4 था वीडियो का, जो कि अधिवेशन का था, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, याद भी होगा हुआ होगा। आप पिछली वीडियो देखिएगा तो और आपके समझ में आएगा। तो अगर आप ये वर्ष याद करना चाहते हैं सच में बिना कन्फ्यूजन के, तो वो वीडियो आप पहले वाली फर्स्ट क्लास देखिएगा, बहुत ही बिंदास तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वर्ड में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।